बोलने की जो आर्ट होती है सभी के साथ, जो आप टॉकिंग करते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो बहुत से लोगों का जो वे ऑफ टॉकिंग होता है वो इतना स्मार्ट होता है, वो इतना इंटेलिजेंटली बोलते हैं कि सामने वाला उसकी बात से इम्प्रेस हो जाता है। लेट्स डिस्कस, इट ऑल्सो मीन्स ह्यूमर, मीन्स जब आप डिफिकल्टी में होते हैं तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर वर्क करता है, उसी के अकॉर्डिंग आप बात करते हैं। विट इज इम्पॉर्टेंट इन द स्ट्रेसफुल लाइफ्स दैट चिल्ड्रन आर लीविंग टुडे। आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ में विट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। विट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग ये हाउ टू टॉक टू एवरी वन इन योर लाइफ, योर टीचर्स, योर एल्डर्स, योर क्लासमेट्स, योर फ्रेंड्स एंड एवरी वन इन योर लाइफ, हाउ टू मैनेज योर थिंग्स बाय योर टॉक्स। द लास्ट विश, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। वन डे इन द स्टार्ट ऑफ विंटर सीजन अ विटी फार्मर नेम्ड राजन वेंट टू द सिटी टू सेल हिज ग्रेन्स। वन डे, क्या विंटर सीजन के स्टार्ट होते ही एक फार्मर राजन अपने विटी फार्मर मीन्स जिसको बोलने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंटली वो बात करता था, उसकी वो कहाँ जा रहा था, सिटी में जा रहा था अपने अनाज को बेचने के लिए। आफ्टर सेलिंग हिज ग्रेन्स ही प्लेस्ड हिज अर्निंग सेफली इन अ बैग। उसने क्या किया, अपनी जो क्रॉप थी उसको बेचने के बाद अपनी जो अर्निंग्स थी, उसके जो मनी था उसके पास, उसको एक बैग में रख लिया। बाय देन द नाइट इट हैड सेट इन सो राजन डिसाइडेड टू स्टे इन। उसने क्या किया, रात होने लगी और उसने वहीं पर रुकने का के लिए डिसाइड किया। व्हेन राजन वेंट टू स्पेंड द नाइट इन इन ही केम टू नो दैट ऑल द रूम्स वर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। जब वो गया एक इन में, मीन्स रुकने की जगह है, जैसे आप बोलते हैं धर्मशाला या होटल्स वगैरह जहाँ हम रुकते हैं, तो वहाँ पर जो किया वो रात अपनी नाइट स्पेंड करने के लिए, तो वहाँ पर सारे रूम्स जो थे वो पहले से ही फुलफिल थे। देन इनर कीपर वॉज अ जॉली मैन, क्योंकि वहाँ का जो इनर कीपर था वो बहुत अच्छे नेचर का था, जॉली था, तो उसने क्या बोला, ही आस्क्ड राजन टू शेयर हिज रूम, अपने रूम में उसको शेयर करने के लिए राजन से उसने तो ऑफर किया अपना रूम। बिफोर द डिनर ही टोल्ड मैनी फनी इंसिडेंट फ्रॉम हिज लाइफ। दोनों ने डिनर के बाद बहुत सारे इंसिडेंट्स को डिस्कस किया अपनी लाइफ के। ही एडवाइज हिम टू बी केयरफुल एट स्टीलिंग वॉज कॉमन इन दैट एरिया। जो इनर कीपर था उसने क्या किया, एडवाइस किया उसको, क्योंकि उस एरिया में जो स्टोलिंग मतलब चोरी की घटनाएं थी वो कॉमन थी। राजन पुट ऑल हिज मनी इन हिज पिलो ऑफ हिज हेड। उसने क्या किया राजन ने, जब उसने एडवाइस किया कि आप अपनी मनी को सेफली रखिए, तो उसने अपना सारा मनी अपनी पिलो में रख लिया। ही एज ही थॉट दैट नाइट एज चीफ द थीफ एंटर्ड थ्रू द विंडो इन टू देयर रूम। द थीफ स्क्रैच्ड फॉर द मनी एंड अदर वैल्यूएबल बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। जैसे ही रात हुई वो सो गए, तो एक थीफ आया विंडो के अंदर और वो वैल्यूएबल थिंग्स मीन्स जो भी थिंग्स थी उनके पास, और मनी ढूंढने लगा, सर्च करने लगा। सडनली द इनर कीपर वोक अप, सडनली जो इनर कीपर था वो जाग गया। सॉ द थीफ ही ट्राइड टू कैच हिम। द थीफ एंग्रीड बाय हिज इनएबिलिटी टू फाइंड मनी स्टेप द इनर कीपर एंड जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो। मीन वाइल हियरिंग द नॉइज द पीपल गैदर्ड देयर। क्या हुआ, जब उसको कुछ मिला नहीं तो क्या, और इनर कीपर जाग गया, उसे पकड़ने की कोशिश जैसे ही उसने की तो उसने उसे धक्का दे दिया और वो बाहर चला गया। वहाँ पर शोर सुन करके बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गया एंड कॉट द राजन, और राजन को पकड़ लिया उन्होंने। ही वॉज मिस अंडरस्टूड एट द किलर, उसको चोर समझ के उन्होंने पकड़ लिया। द सोल्जर ऑफ द किंग थ्रू हिम इन द जेल। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज स्मोट बिफोर द किंग, समन बिफोर द किंग। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, उसे किंग के सामने ले जाया गया। राजन प्लीडेड विद द किंग ही इज इनोसेंट बट ही फेल ऑन द डेफ ईयर्स। क्या हुआ, राजन ने बोला कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने ये सब नहीं किया, और बेवजह धोखे की वजह से मुझको यहाँ पर लाया गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स टू हैंग हिम टिल डेथ ऑन द चार्ज ऑफ मर्डर। द इनर कीपर, राजा ने क्या कहा कि इनर कीपर के मर्डर के चार्ज में इसको जेल में डाल दिया जाए। द किंग आस्क्ड राजन टू स्पीक हिज लास्ट विश। किंग ने क्या पूछा कि राज आपकी लास्ट विश क्या है, मरने से पहले आपकी आखिरी इच्छा क्या है। राजन वॉज अ विटी मैन, मैंने जैसे बताया था आपको कि राजन एक विटी पर्सन था, उसको बोलने की बहुत इंटेलिजेंटली वो
बात करता था तो उसने क्या बोला, ही न्यू दैट ओनली टाइम कैन प्रूव हिज इनोसेंस। वो जानता था कि यही टाइम है अपनी इनोसेंस को प्रूव करने का। तो उसने क्या बोला, सो ही सेड आई विश टू सी यू विद योर यंग ग्रैंड सन्स ऑन हिज थ्रोन ऑन दिस थ्रोन बिफोर माई डेथ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मरने से पहले आपके ग्रैंड सन्स को इस सिंहासन पर देखूँ। बट एज द किंग हिमसेल्फ वॉज अ बैचलर दैन एवरी वन इन द कोर्ट स्टार्टेड लुकिंग द राजन इन वंडर। जैसा कि किंग वहाँ का जो राजा था वो क्या था, बैचलर था, उसकी शादी नहीं हुई थी, तो इसलिए सारे लोग राजन की तरफ बहुत आश्चर्य से देखने लगे। मीन वाइल द गार्ड्स कॉट द रियल कल्प्रिट, द किंग रियलाइजिंग हिज मिस्टेक एंड ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स टू रिलीज राजन एंड बर्स्ट इनटू लाफ्टर अबाउट थिंकिंग अबाउट हिज ग्रैंडसन्स। क्या हुआ, किंग ने ऑर्डर किया, सॉरी इतने ही में जैसे ही वो बात कर रहा था, जो कल्प्रिट था, जो असली चोर था, उसको गार्ड्स ने पकड़ लिया और राजा ने ऑर्डर दिया कि इसको छोड़ दिया जाए राजन को। बाद में क्या हुआ, वो सोचकर अपने ग्रैंडसन्स के बारे में हंसने लगे। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज द विटीनेस, द क्वालिटी ऑफ विट, विटी क्वालिटी ऑफ ए पर्सन क्या करती है, हमेशा आपको सेव करती है इन डिफिकल्ट टाइम। आपको क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ और कैसे, ये आपको पता होना चाहिए एंड इससे आप अपने आप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्ट आउट कर सकते हैं। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज रिलेटेड विद दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी इन क्लास। नाउ आई एम एंडिंग माय वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।